मैं आपको, आप बुरा नहीं मानना, आप एक महिला हो और मैं आपको काली बोल दिया तो यू हैव दैट काली एनर्जी। माँ माँ है, महिला महिला है, महिला माता माता रानी को माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती करके हम लोग हिंदू लोग पूजा करते हैं। और इसे दिस इज ए मार्शल मदर, मदर दुर्गा, मदर काली, उग्र रूपाच। जिंदगी में आपके माध्यम से मैं हर एक माँ को, मतलब मेरा प्रार्थना है, जिंदगी में दुख आया, कष्ट आया, पीड़ा आया, दर्द आया, तकलीफ आया, समझ में आ गया पति हरामी है, कुत्ता है, मुंह मार रहा है, बाहर सूंघ रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको घर वाले नहीं पूछते, नहीं सुनते, विश्वास टूट गया, हो सकता है आपके साथ कुछ भी गलती करें, यू आर द आर्मी, आपका बाप आपके ससुराल में भेजा है, आपका बाप आपका ससुराल में भेजा है, कहां भेजा है, युद्ध करने के लिए, योर कर्म भूमि, युद्ध क्षेत्र, कृष्ण भगवान, गीता, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किमा कुर्वत संजय, कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अगर वहां अर्जुन पीछे मोड़ के भाग गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया, तो आज कृष्ण अर्जुन को कोई पूजता, कोई भला बोलता? दुर्गा माई बोलती हमको लड़ना नहीं है, लिपस्टिक विपस्टिक फेयर एंड लवली लगा के हमको बैठेंगे, हमें पूजा करो, कोई कुत्ता भी पूजा करता है? दुर्गा माई बोलती है मधुकैटव मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी, सॉरी महिषासुर मर्दिनी, मारेंगे, किसी शरीर को मारने का बात नहीं कर रहा हूं, हरे आपके अंदर में, हाँ इसीलिए तो हम लोग माँ दुर्गा का पूजा करते हैं। और वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा दुर्गा पूजा कहाँ होता है, कलकत्ता में। और आप बंगाली लोग अगर ये नहीं समझोगे तो क्या उड़िया लोग समझेगा, जगन्नाथ पूजा करने वाला उड़िया भाग गया चलेगा, जगन्नाथ कंपनी का है, आप तो दुर्गा माई काली माई का कंपनी हो। काली माई क्या बोलती है, एक तरफ बरद हस्त हाथ ऐसा कि, एक तरफ खड़ग हस्त, आशीर्वाद देंगे नहीं तो काट देंगे तेरा, ये दिस इज द मदर काली एनर्जी, है ना? हाँ करते, मैं उपाय नहीं, मेरा एडवाइस है आपको कि पहला, ए मां अपने युद्ध क्षेत्र छोड़ो मत, अगर इंडियन आर्मी अपना पोस्ट छोड़ के आ जाता तो कारगिल बनता क्या? तो अपना पोस्ट मत छोड़ो, पोस्ट माने क्या, जो आपका क्षेत्र है लड़ाई है, भाग जाओगे, भाग के कितना दूर भागोगे, कल फिर यहां जाओ, ये लोग भी भगाए तो कहां जाओगे, लड़ो मरो भिड़ो लेकिन वहीं भिड़ो, मेरा घर मैं क्यों जाऊं, मेरा पति मेरा बाप तो हाथ पकड़ा दिया, फिर मैं कैसे जाऊं, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा, ठीक है, देवता नहीं दानव होने से भी, देवता नहीं दानव होने से भी आपको, आप बताओ यार इस उम्र में कहां जाओगे दूसरा शादी करने? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा है जो है सिचुएशन, मैं नहीं कह रहा हूं सालिस करो, मैं नहीं कह रहा हूं फाइट करो, लेकिन हैंडल करो, हैंडल द सिचुएशन, भागने से नहीं बनेगा, आपको डटना है, भिड़ना है, लड़ना है, जैसा भी हो जाए, ठीक है, और अपने को सुरक्षित रख के, मैं नहीं कह रहा हूं मर जाओ, सुरक्षित रख, यू आर सो क्लेवर, यू आर सो नॉलेजियस, यू आर सो ज्ञानी, गुरु बृहस्पति उच्च का कोई मजाक खेल है, ठीक है, तो उस ज्ञान का उपयोग करो। जानते हो बंगाली औरत सबसे ज्यादा चालाक वर्ल्ड का है, जो क्लेवर में जो लिस्ट बनाया गया था ना, तो उसमें एक नंबर में रखा गया, किसी भी की, आप देखो एक तो सिंपल सा बात लो, बांग्लादेश टूट गया, बांग्लादेश के जितने महिलाएं कोई भारत में आके शरणार्थी बना, आप देख लो उनका सिचुएशन, फटा टूटा भी पहन के भी सरवाइव करके खड़े हैं। ये घटना कश्मीर के साथ भी हुआ, लेकिन कश्मीर वाले तंबू में आके रहना पड़ा,
देखियो किसी शरणार्थी को, यहाँ हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे शरणार्थी हैं, सभी सिचुएशन में बंगाली खड़ा हो जाता है। ठीक ठीक है, तो ये जनरल है। मैं नहीं कह रहा हूं कश्मीर वाले ऐसे किए बोल के, नहीं कह रहा हूं, बेचारों के ऊपर बहुत लोड पड़ा। लेकिन जो बंगाल बांग्लादेश के साथ और बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में हुआ, और आज तक उसका आग नहीं बुझा, जानते हो सबसे ज्यादा टॉर्चर, सबसे ज्यादा कष्ट किसको मिला? महिलाओं को मिला, महिलाओं को मिला। हाँ, और उसके बाद भी आज सर्वाइवल रेट में टॉप में है वर्ल्ड ओवर। वर्ल्ड वो पीड़ा नहीं मिला जो इनको मिला। इनको काट दिया जाता, मार दिया जाता, हिटलर जैसे कंबस चैम्बर में रख के जला दिया जाता, प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिसक सिसक के जीने के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, टाका रखबो बैंके, टाका रखबो बैंके, गाय बऊ रखबो कैंपे, गाय रखबो कुथाए, मतलब टांक रुपया लेके बैंक में रख देंगे सेव है, कैंप माने आर्मी कैंप में लेके बहू को रख देंगे सुरक्षित है, बहू रखबो कुथाए, अपना बीबी को कहाँ रखेंगे, ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ, ये वहां का कंडीशन में ये लोग सरवाइव हुए। तो आपका छोटा सा घर का झमेला है, आप छोड़ के भागना चाहते हो? नहीं, यू स्टे देयर एंड फाइट, बहुत रास्ता मिलेगा। गुरु बृहस्पति टॉप में है, आपकी दृष्टि मात्र से जीवन में समाधान हो जाएगा। आपको मैं जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस पे काम चालू करो, उस प्रोसेस पे काम चालू करो, फिर बोलना कि जिंदगी सुनहरा नहीं हो जाए, मेरे को बोलना। जो रेमेडी दिया इस रेमेडी के ऊपर काम करिए, पक्का काम होगा। मैं जानता हूं सप्तम में गुरु बृहस्पति अच्छे अच्छों का घर तोड़ देता है, कारक भावना से कर सकता है, कर दिया ना, क्या जिंदगी भर करेगा क्या? ठीक है, हाँ, लेकिन इसको काउंटर कौन करेगा? जो रेमेडी दिया वो करेगा। ठीक है।